ये क्या हुआ था? इस टुकड़ी चलाते हैं तो इनकी टुकड़ी से गाड़ी दूर थी, गाड़ी दूर होने की वजह वो मोबाइल पे बात करते हुए आ रहा था सामने से, एक हाथ से गाड़ी चला रहा, मोबाइल पे बात कर रहा था, गाड़ी उसकी गिर गई, उसको चोट वोट लगी थी, उसके बना पर ये वहाँ रुका, इसको वहाँ अपनी दुकान में ले गए खेच के, वहाँ चार पांच लोगों ने संभाला, वहाँ पर लोगों ने बचाया, इसका मोबाइल भी वहीं रख लिया, अब पुलिस को हम तहरीर दिया है नवाबगंज। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद परवेज। कहाँ रहते हैं? रिछोला के फैतुल्ला। ये मामला क्या बजे का है? सुबह 10:30। कितने लोग थे? वो 5-6 लोग थे, वो तो उनकी दुकान है वहाँ पर, एक उसकी फ्रिज की वॉशिंग वगैरह की, तो उनके वो सभी लोग थे वहाँ, कार्यकर्ता जो भी है वहाँ पर। किस जगह पे हैं? नवाबगंज। तो आगे क्या किया आपने? आगे हम तहरी दिया है पुलिस को, तो वहाँ उन्होंने हमें वहाँ रेफर कर दिया, अब उन्होंने हमें यहाँ के लिए रेफर कर दिया, बरेली जिला अस्पताल जाए, इसकी आँख से दिख नहीं रहा है, इससे इसका मोबाइल भी वहीं रख लिया उन लोगों ने कि इसका इलाज कराओ जब मोबाइल जाके। तो यहाँ पे अभी डॉक्टर ने आपको देखा? डॉक्टर ने नहीं देखा, वो कह रहा है भैया कि 300 बेड वाले अस्पताल में जाए, आज वो जो है डॉक्टर देखते हैं आई वाला, वो अभी है नहीं। तो कितनी देर हो गई आपको आए हुए? हमको तकरीबन यहाँ 15 मिनट हो गए। पुलिस वालों ने क्या कही? पुलिस वालों ने यह कहा कि जाओ आप मेडिकल लाओ करा करके, तो वहाँ कोई आश्वासन नहीं दिया, उनको बुलाया होगा वहाँ पर, वो पैसे वाली पार्टी है, अभी एक दिन पहले एक दिन कुछ लोगों ने मारा वहाँ लोगों, वहाँ तो दबंगे ही चल रही है, फुल भेगराज हॉस्पिटल के सामने टुकटुक वाले को मारा था वहाँ पहले। क्या क्या नाम है उन लोगों के? उनका नाम है दीपक गुप्ता। काम का है उनका? उनका उसका फ्री शोरूम है, एक फ्रीज का वॉशिंग वगैरह वगैरह नवाबगंज में जी। फोन निकाल दिया ना। जी आपके कौन है? हमारा लड़का, हमने कहा कि हमसे भी उल्टे सीधे बोलने करे, इसके 3 टुकड़े कर देते, जब से रहेगी तुम गलती पकड़ोगे, वैसे ही पकड़ गलती करते हो।